सूर्य उपासना के महापर्व छठ का आज चौथे अर्घ के साथ समापन हुआ। सभी ने देश में सुख समृद्धि एवं परिवार में खुशहाली आए इसकी कामना की। पूर्वांचल क्षेत्र में यह त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। पूर्वांचल वासी जहां भी रहते हैं वहां पर अपने इस पर्व को अपने समाज अपने परिवार के साथ मनाते हैं। चार दिन तक चलने वाला यह कठोर व्रत आज सूर्य को अर्घ देने के साथ संपन्न हुआ। इसमें व्रत करने वाली महिलाएं व पुरुष 36 घंटे तक अन्न जल का त्याग कर इस व्रत को करते हैं। छठ पूजा के व्रत का बहुत महत्व है, साथ ही इसके प्रसाद काफी महत्व है। इसका प्रसाद ठेकुआ गेहूं के आटे व गुड़ से बनाया जाता है। कोटा में रंगवाड़ी बालाजी सहित कई स्थानों पर बिहारी समाज के द्वारा छठ पर्व का आज समापन हुआ। देखिए, बिहार से हमारे पिताजी या हमारे समाज कुल बंधु कम से कम यहाँ से 30-40 वर्षों से कोटा में निवास कर रहे हैं। अब जबकि हमारी परंपरा और सांस्कृतिक को देखते हुए हम लोग कोटा में कम से कम 20-25 साल से तो रंगवाड़ी कुंड में और विभिन्न स्थानों पर भी मनाया जा रहा है छठ। यही नहीं, आप ये अब एक तरह से विश्व का पर्व के रूप में आप NRI जो भी बाहर रहते हैं विदेशों में वहाँ पे भी छठ पर्व बड़े धूमधाम से और हमारे बिहार उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक के तौर पे मनाया जाता है। छठ पूजा का बिहार का तो मेन पर्व है। सबसे पहला ये सूर्य भगवान का पर्व है। इसका प्रसाद काफी फेमस है, बहुत ज्यादा फेमस है। जिसको मिल जाए वो तृप्त हो गया। फर्स्ट डे तो नहाए खाए होता है जो कि शुद्ध होके नहा के बनता है खाना, और सेकेंड डे होता है खरना जिसमें खीर वगैरह बनता है, और थर्ड डे होता है सूर्य भगवान उगते हुए सूर्य भगवान को देते हैं, फोर्थ डे डूबते हुए सूर्य भगवान को देते हैं, जो कि कहीं नहीं होता है डूबते हुए सूर्य भगवान को पूजा करते हुए और उगते हुए, जो कि हमारे बिहार समाज में होता है। सिंदूर लगा रखा है, ये तो त्यौहार ही है। पूजा ये सुहाग की चीज़ है और व्रत भी हम सुहाग और अपने बाल बच्चों के लिए ही करते हैं। तो लंबी सब सिंदूर लगवाने के लिए और प्रसाद लेने के लिए मेनली यहाँ पे पहुँचते हैं, व्रत करते हैं वो भी, और जो नहीं भी करते हैं वो अपने भरोसे आशीर्वाद लेने के लिए पहुँचते हैं यहाँ पे।